मैंने खाना खा लिया है। आपने खाना खा लिया पापा, और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैंने होमवर्क भी कर लिया। बेटा क्या कर रहे हो? मैं मम्मा से बातें कर रही हूँ। अच्छा बेटा, चलो बेटा अब आप सो जाओ। आपको सोना नहीं मेरी बेटी को? सोना नहीं बेटा, सो जाओ चलो। ठीक है, वो मेरी मम्मा की कुटी दो। हाँ बेटा कोई नहीं, चलो आप सो मेरी बेटी। ठीक है, अब आपको सुबह जाना भी है ना। चलो ये मुझे दे दो बेटा। अच्छा चलो लेके सो जाओ। ठीक है चलो। आज पूरे 2 साल हो गए जानवी को गए हुए, ना वो एक्सीडेंट होता ना जानवी की जान जाती। रिद्धि भी अपनी माँ को बहुत मिस करती है, और मुझे भी हमेशा ऐसा लगता है कि जानवी कहीं आसपास ही है। भैया आपको कितनी बार बोला है कि दूसरी शादी कर लो, अपना नहीं तो रिद्धि के बारे में कुछ तो सोचो। और वैसे भी आपकी ट्रैवलिंग जॉब रहती है, कब तक रिद्धि को रिश्तेदारों के घर छोड़ते रहोगे? अरे यार बस मेरा मन नहीं मानता। मैंने रिद्धि से भी बात की थी और उससे भी हिंट लिया था, उसको भी दूसरी माँ नहीं चाहिए, बहुत प्यार करती थी वो जानवी से। बड़ी दीदी से भी मेरी बात होती है, उन्होंने भी कई बार मुझे आपकी शादी के लिए बोला है, उन्होंने एक लड़की देख रखी है आपके लिए। हाँ दीदी मुझसे कई बार बात कर चुकी है, मैं ही आगे से कोई रिस्पांस नहीं देता। दीदी कह रही थी कि पहले शादी कर लो फिर रिद्धि को बता देना। दीदी कह रही थी रिद्धि को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा, लेकिन यार मेरा दिल नहीं मानता। वैसे आपको भैया एक बार वो लड़की देख लेनी चाहिए। देखते हैं वक्त क्या कराता है। भैया एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना। और ये मेरा कॉलेज आ गया, मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। ओके भैया। ओके। दूसरी शादी के लिए मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है, लेकिन क्या करूं, बार बार रिद्धि का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए डिसीजन लेना। रिद्धि बेटा देखो कौन आया है। ये है डॉली, ये है आपकी नई मम्मा। क्या? हाँ जी बेटा। मैं अपनी मम्मा की जगह किसी को नहीं दे सकती। क्यों बेटा ऐसे नहीं बोलते? ये नहीं है मेरी मम्मा, इसको चांद लेकर आया है वहीं छोड़ कर आओ। मेरे बेटे ऐसे नहीं बोलते हैं, मेरे बेटे नहीं बोलते नहीं, ऐसे नहीं है मेरी मम्मा। रिद्धि बेटे ऐसे नहीं गुस्सा करते बेटा, मैं आपकी माँ की जगह तो ले नहीं सकती हूँ, पर बेटा मैं कोशिश करूँगी कि आपको माँ की कमी कभी महसूस ना हो। नहीं अब नहीं है मेरी माँ, और मुझे आपका भी हाथ लगाने की आपको जरूरत नहीं है, अब नहीं हो मेरी माँ। टॉली क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो? नहीं नहीं बस वो थोड़ा सा थक गई थी। थक गई हो तो रेस्ट कर लो, लेट जाओ। कर दिया। और खाना खा लिया आपने? हाँ जी खा लिया। मुझे पता है आपको रिद्धि की बात का बुरा लगा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी बच्ची है उसकी बात का क्या बुरा मानना मुझे। नहीं उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। अरे नहीं नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? यार क्या करें, छोटी सी उम्र में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आप समझ ही सकते हो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको आपको एक्सेप्ट करने में, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू यार मेरे पे भरोसा करने के लिए। आप फिक्र मत करो, मैं रिद्धि को इतना प्यार दूंगी कि उसको बिल्कुल भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। मुझे आपसे डॉली यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच डॉली। और एक बात, आपको रिद्धि की और घर की टेंशन लेने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ रिद्धि और घर को संभालने के लिए। चलो थैंक यू यार, मैं ज़रा रिद्धि से मिल के आता हूँ और चीज़ों को नॉर्मल करता हूँ। ठीक है। मैं अपनी मम्मा की जगह किसी को नहीं दे सकती, ये सौतेली माँ तो मुझे शक्ल से ही लालची लगती है। इन्होंने मेरे पापा का पैसा देख के इनसे शादी करी, इस औरत को तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। लालची औरत काम की, सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। दीदी बेटा इधर आओ मेरी बेटी। क्या कर रही मेरी बेटी? पापा छोड़ा है यार। बेटा ऐसे नहीं कहते हैं बेटा, आपकी मम्मा है वो यहीं रहेंगी बेटा। नहीं पापा आपको पता है मेरी मम्मा इतने दिनों में नहीं रही, मेरी मम्मा की जगह कौन ले सकता। नहीं ऐसे नहीं कहते बच्चे, अब वो यहीं रहेंगी बेटा।
अब वो आपकी नई मम्मा है, आपका ध्यान रखेंगी बेटा वो, ठीक है मेरे बच्चे? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, ठीक है? ओके मेरी बेटी, लेट जाओ। दीदी क्या है? बेटा मैं आपके लिए दूध लेके आई थी। मुझे नहीं मिला दूध। पापा, पापा। क्या हुआ बेटा? इस औरत को लेके जाओ मेरे रूम में से। बेटा ऐसे नहीं कहते, मम्मा आपकी बेटा वो। नहीं है मेरी मम्मा। बेटा नहीं, ये लो चलो दूध पियो आप। बेटा ऐसे नहीं कहते मेरे बच्चे। नहीं, जब पता नहीं क्या मिला के लाई होगी, मुझे दूसरा दूध चाहिए। बेटा क्या हो गया मेरे बेटे, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है? मम्मा है बेटा आपकी, आपका ध्यान ही तो रख रही है वो। नहीं, चलो मेरे बच्चे, मेरी बेटी। जितना मैं दीदी के नज़दीक आने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मुझसे दूर होती जा रही है। मुझे दीदी की सौतेली माँ नहीं बनना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ बनना चाहती हूँ। मुझे इंतज़ार है कब रिद्धि मुझे माँ बोलेगी और अपने गले से लगाएगी। पापा का फोन। हेलो। हेलो, क्या हाल है बेटा? हाँ जी पापा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सब ठीक ठाक है बेटा? हाँ जी पापा जी, यहाँ पर सब ठीक है, आप बताओ। और नया घर? बस, और नया घर कैसा है बेटे का? नया घर बहुत अच्छा है पापा जी, सब यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और दामाद जी कैसे हैं, और रिद्धि कैसी है हमारी? पापा, रिद्धि भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझे, मम्मा मम्मा कह के घूमती रहती है सारे में। ये भी बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत सपोर्टिंग है। चलो बेटा, बेटा बस मैंने कहा चलो फोन कर लेते हैं सोने से पहले। अच्छा, और बेटा खाना खा लिया? हाँ जी पापा, खाना खा लिया है। आपने खा लिया खाना? हाँ बेटा, बस अभी खाया, अब सोने की तैयारी थी। अच्छा, दवाई ली है सोने से पहले? हाँ बेटा, ले ली मैंने दवाई तो। अच्छा ठीक है पापा, और सब ठीक है? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। चलो बेटा फिर फोन फोन करती रहना अगर टाइम मिले तो। हाँ जी पापा बिल्कुल, आप मेरी टेंशन ना लो, मेरा नया घर बहुत अच्छा है पापा, मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा। ओके पापा, बाय। ये लो आपकी कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ थे, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। रिद्धि की वजह से परेशान हो ना? हाँ, कई बार उसको समझा चुका हूँ, कल से समझाने में लगा हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है, और भी जिद्दी होती जा रही है। मुझसे भी बात करना बंद कर दिया उसने। ये तो है, बट आप उसको भी समझो ना। आप ये देखो कि उसने अपनी माँ खोई और उसकी जगह पे कोई और आ जाए, उसकी माँ की जगह ले ले, तो उसको कैसा लगेगा? मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता उसके बारे में सोचने में, वो मेरे को किस तरीके से मेरे से बात करती है वो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि माँ को खोने का दर्द किस तरीके से होता है। मैं अभी तक नहीं निकल पाई अपने माँ के गम से, वो तो फिर भी 6 साल की छोटी सी बच्ची है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो उसकी तरफ से। आप भी ऐसा करो, या तो आप एक दो दिन मम्मी के यहाँ होए हो अपनी। अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी तरफ से टेंशन मत लो, मैं नहीं कहीं जा रही आपको और रिद्धि को छोड़ के। आप देखना, एक दिन आएगा रिद्धि जिस दिन मेरे को माँ बोलेगी। चलो, होप फॉर द बेस्ट। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और मेरा साथ नहीं छोड़ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस, थैंक यू। चलो आप कॉफ़ी पियो, मैं रिद्धि को देख के आती हूँ, सो गई है कि नहीं। ठीक है। पांडे, टेंडर हमारे यहाँ से निकल कैसे गया? मैंने तुम्हें बोला था 350 की बिड भरने, तुमने 350 की बिड क्यों नहीं भरी? तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हें पता कितना बड़ा लोन लिया हुआ मैंने बैंक से इस टेंडर के लिए, और अब दूसरे टेंडर का क्या हुआ? जल्दी से मुझे पता करके बताओ दूसरे टेंडर का क्या चल रहा है, और इस बार बिड चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं तुम्हें। रिद्धि बेटा, ये आपकी हैंड राइटिंग को क्या हो गया बेटा, ठीक से करो ना। हाँ ठीक से लिखो। अरे पानी अब लाए, और कितनी देर से मैं ऑफिस से आ रखा हूँ। और ये देखो जरा, ये देखो जरा रिद्धि कैसी, इसकी हैंड राइटिंग कैसी होगी, और होमवर्क कितना पेंडिंग चल रहा है इसका, आप होमवर्क नहीं करवाते इसका? मैंने बोला था करा दूंगी। कहाँ किया हुआ, सारा पेंडिंग चल रहा है होमवर्क इसका। आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, जाओ चाय लेके आओ, और चाय फीकी बनाना, मीठा मत डालना। चलो बेटा ठीक से करो, और हैंड राइटिंग ठीक होनी चाहिए आपकी, ठीक है? चलो करो।
आज बड़े गुस्से में है और मेरे पास ये मौका है, इसको मैं खोना नहीं चाहती। अब पढ़वाती हूँ आंटी को डांट पापा से। पता नहीं आज इनको क्या हुआ है, इस तरीके से तो मुझसे कभी भी बात नहीं करते हैं। मे भी शायद ऑफिस में कुछ हुआ हो। कोई बात नहीं, इग्नोर करती हूँ। आंटी चलो देखना मेरी पेंसिल घूम गई है। आई रिद्धि, क्या हुआ बेटा? मैं देख रहा मेरी पेंसिल कहाँ गिरी थी। कहाँ पर गिरी है? पे। मैं देख देती हूँ। यार कैसी चाय लाए हो आप? मीठा डाल दिया। फिर मैंने आपको मना किया था, मेरे को फीकी चाय पीनी होती है। कितने दिन हो गए आपको इस घर में आए हुए? मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं मीठी चाय नहीं पीता हूँ। मैंने तो डाला नहीं मीठा। मैंने ही डाला। इस घर में हम तीन ही लोग रहते हैं, कोई चौथा तो है नहीं कि चौथा आके डाल जाएगा। पी के देखो जरा इसे। सच में मैंने नहीं डाला मीठा। आपसे बहस करने कोई फायदा नहीं है। ना मैं दूसरी बना के लेके। नहीं रहने तो मुझे नहीं चाय पीनी। चलो बेटा आप पढ़ो। 7, 9, 6, 3, 7, 10. क्या यार आज का तो दिन ही खराब है। ऑफिस में तो ऑफिस में प्रॉब्लम, घर में तो घर में प्रॉब्लम, सारा मूड ही खराब कर दिया। क्या यार क्या जिंदगी हो गई है मेरी। मैं इतने दिल से रिद्धि के पापा और रिद्धि का मैं साथ दे रही हूँ, हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी हूँ, पर वो मुझे क्यों नहीं समझ रहे। छोटी छोटी सी बातों पे मेरे को डांटने लग जाते हैं दोनों। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे अब क्या करना है।